वेलकम टू मोशूमिस क्रिएशन। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मैंने खुद ने इन्वेंट किया है। मेरी दादी बनाती थी ये वाला जो फ्रिटर्स है, मैंने उसमें और थोड़ा बहुत कुछ ऐड एंड सब्सट्रैक्ट किया है। उसका नाम है बनाना फ्रिटर्स, मतलब। और ये जो जो चीज़ों से बनता है वो हमेशा अवेलेबल रहता है घर में, तो आप लोग को अगर कुछ मीठा खाने की इच्छा हो और दुकानें बंद हो तो आप लोग एकदम, मतलब कोई बच्चा भी बना सकता है ये, इतना इजी है एंड वेरी क्विक रेसिपी। उसका नाम है बनाना फ्रिटर्स, वो आप लोग बनाइए और थोड़ा सा ऊपर से हनी ग्लेज कर दीजिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ बहुत अच्छा लगता है ये, इट इज़ लाइक ए डेजर्ट। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बनाना फ्रिटर्स बनाने के लिए हम लोगों को इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी: केला, सूजी, मैदा, शक्कर, पानी और सौंफ। 4 टीस्पून सूजी, 1, 2, 3, 4। 4 टीस्पून मैदा, 4 टीस्पून, 3 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून सौंफ। अगर हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ी पानी की तो हम लोग पानी ऐड करेंगे, ऐसा नहीं पड़ेगी ज़रूरत। केला अपने में ही बहुत मीठा होता है। इसमें थोड़ा सा और मैदे की ज़रूरत पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप लोग ऐड करते जाइएगा। ये पूरे सूजी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि लग रहा है कम पड़ जाएगा। इसको पूरा अच्छे से बैटर टाइप का बना के इसको आप स्टैंडिंग टाइम दीजिए कम से कम हाफ एन आवर। इसके बाद इसके फ्रिटर्स को हम लोग फ्राई करेंगे। डन। देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है, रिफाइंड ऑयल। इसमें मैंने बीच में एक पिंच ऑफ सॉल्ट और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिलाया। और अगर किसी को वेनिला एसेंस पसंद हो, जैसे मैंने एक ड्रॉप डाल दिया है, दो फ्लेम में। हाँ, बहुत जल्दी देखिए पक रहा है। देखिए ये लो फ्लेम में फ्राई हो रहा है, इसको हाई फ्लेम में मत कीजिए क्योंकि हाई फ्लेम में करने से क्या हो जाएगा, ऊपर से तो पूरा पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। और मैं और एक टिप देना चाहती हूँ इसमें, अगर आप लोग चाहे, बहुत लोग देते हैं थोड़ा सा 1 टीस्पून आटा, क्योंकि बहुत अच्छा बाइंडिंग फैक्टर है। तो अगर आप आटा, मेरी दादी को मैं देखती थी थोड़ा आटा मिलाती थी उसमें, तो आप लोग आटा मिला सकते हैं। तो और अच्छा, और नॉन स्टिक कढ़ाई में ही इसको ये करना, फ्राई करना, क्योंकि बहुत इसका टेंडेंसी है स्टिक होने का। बनाना फ्रिटर्स इज़ रेडी टू सर्व। इसे मैंने हनी के साथ सर्व किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।